ब्रेक पर जाने से पहले हम दरअसल बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में एक गजब ही तरीके के चुनावी घमासान की। दरअसल यहां पर एक अलग ही तरह का चुनावी घमासान मचा हुआ है। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मोदी को टक्कर देने के लिए उन्हीं का स्टाइल आजमाने की रणनीति तैयार की है, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वो मात देना चाहती है, लेकिन मोदी स्टाइल में। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के रण में सबकी तैयारी जारी। ममता बनाम मोदी सरकार में किसकी नीति किस पर भारी? क्या ममता मार पाएंगी चुनाव में बाजी? लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी ममता दीदी ने मोदी सरकार की नीतियों को टक्कर देने के लिए कुछ नए फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, और हो भी क्यों ना। ममता दीदी किसी भी कीमत पर हार का मुंह नहीं देखना चाहती। एक तरफ जहां शाह ममता सरकार पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं ममता भी मोदी सरकार की नीतियों पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, बल्कि अब मोदी और शाह को उन्हीं के स्टाइल में जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। जबकि कांग्रेस की उम्मीदों को वो अपने बयान से पहले ही तोड़ चुकी हैं, लेकिन मोदी सरकार से कड़े मुकाबले के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मंत्रियों और पार्टी नेताओं से केंद्र सरकार से मिलती जुलती योजनाओं और नीतियों पर सलाह मांग रही है। इतना ही नहीं, वो तो मोदी सरकार की प्रचार नीति को भी आत्मसात कर रही हैं। तभी तो सोशल मीडिया से लेकर जनसभाओं तक वो अपनी योजनाओं का प्रचार उसी अंदाज में करना चाहती हैं, जिस अंदाज में आम तौर पर मोदी सरकार करती हुई नजर आती है। वो इन जनसभाओं में बंगाल के विकास की कहानी सुनाना चाहती है, वो कहानी जो केंद्र के आंकड़ों से बेहतर हो। अब हाल ही में केंद्र के MSP बढ़ाने के फैसले को ही ले लीजिए। एक तरफ जहां फैसले के बाद मोदी सरकार किसान हितैषी होने का प्रचार कर रही है, तो वहीं ममता सरकार किसानों की आय 3 गुना होने का दावा कर रही है। वो न सिर्फ दावा कर रही हैं, बल्कि पार्टी कुछ आंकड़े भी जारी कर रही है, जिन आंकड़ों के मुताबिक किसानों की आय 2010 से 11 में 91,000 रूपए थी, जो 2017-18 के अंदर बढ़कर 2,90,000 रूपए हो गयी। इसके साथ ही बंगाल सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी गिना रही है। बंगाल सरकार न सिर्फ केंद्र पर सौतेला व्यवहार के आरोप लगाती रही है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों से जूझकर भी प्रदेश के किसानों के हितैषी होने का दावा कर रही है। दरअसल चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए ममता सरकार भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उनके मुताबिक मोदी सरकार से बेहतर योजनाएं तो उनकी सरकार की है, बस प्रचार थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है, तभी केंद्र को हर मायने में उनकी सरकार टक्कर दे पाएगी। लेकिन क्या ममता सरकार की अपने थिंक टैंक के पास जीत का कोई अपना फॉर्मूला नहीं? मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए आखिर क्यों ममता दीदी को मोदी शाह के फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ रही है? क्या उनकी जीत के लिए अपनी कोई तैयारी नहीं? क्या राजनीति का स्तर अब सिर्फ प्रचार पर टिक चुका है? कुछ ऐसे ही सवाल इन दिनों की तस्वीरों को देख कर बार बार उठ रहे हैं। लेकिन क्या कहिए, ये राजनीति है, यहाँ हर कोई अपनी अपनी जीत की जोर आजमाइश में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।